हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज होशियारपुर के अंदर करवा चौथ का व्रत बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सुहागन औरता ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा था। सुहागन औरता ने मंदिरों में जाके करवा चौथ की जो कथा है वो भी सुनी। ये व्रत क्यों रखा जाता है, काफ़ी रौनक लगी हुई है जब मंदिरों के अंदर। जो मंदिर के पंडित जी है, पुजारी जी है, उन्होंने सुहागन औरतों की कथा भी सुनाई करवा चौथ की। ये व्रत क्यों रखा जाता है और सभी औरतों को आशीर्वाद भी दिया लंबी उम्र के लिए, और उनके पतियों की लंबी उम्र के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जो कथा थी सुहाग करवा चौथ की वो भी उन्होंने सुनाई है सुहागन औरतों को। काफ़ी आज रौनक लगी हुई है मंदिरों के अंदर। सुहागन औरतों ने मंदिरों में जाकर पंडित जी से जो करवा चौथ की कथा है वो भी सुनी है। जो ये व्रत है क्यों रखा जाता है, तो पंडित जी ने औरतों को आशीर्वाद भी दिया है उनकी और उनके पति की लंबी आयु के लिए, और उन्होंने करवा चौथ की जो कथा वो भी सुनाई थी। महाकाय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि अम्मा चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए पति के आयु को दीर्घ करने का महान व्रत, तप, कठिन परिश्रम और तपस्या के द्वारा इस व्रत को करवा के नाम से विश्व विख्यात है। हमारे धर्मशास्त्रों में सर्वप्रथम जब अर्जुन नीलगिरी पर चले गए थे तो उस समय द्रौपदी ने किया, और सात भाइयों की बहन वीरवती ने भी इस व्रत को किया। इसी व्रत से प्रचलित है, साक्षात स्वर्ग से इंद्राणी आई थी और इस व्रत को वीरवती का संपन्न करवाया गया था। मुख्य प्रमुख भाव और फलादेश करवा का चौथ का व्रत का यही कि सुहागिनों के लिए पति से प्रेम भाव, सौहार्द्य घर का वातावरण, सामाजिक आर्थिक पति की दीर्घायु, हर एक क्षेत्र में विकास की कामना, एक पत्नी एक सती सावित्री, अपने जो परमेश्वर का रूप है, जो जिन्होंने अग्नि के समक्ष ग्रहण किया है उसकी कामना करती हैं, व्रत रखती हैं और चंद्रमा उदय तक प्रतीक्षा करती हैं, और चंद्र उदय होने पर अर्घ देती है उनके दर्शन करके। मंदिरों में आज काफी रश है। सुहागन औरतों ने मंदिर में आके मथा टेका है, और जो करवा चौथ की जो व्रत की कथा है वो भी वहाँ सुनी है। काफ़ी यहाँ पे आज भीड़ है मंदिरों में सुहागन औरतों की। आज मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। सुहागन औरता
कर्मचौ की व्रत की ये कथा सुनते हुए कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत की चतुर्थी में लिखा दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ से चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें नियमित लिखित कहानी सुनकर चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़कियां थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्हें बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हैं, वे अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों के बात सुनकर भी उसे कुछ ध्यान न दिया, भाइयों द्वारा दिखाई प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति संकट बीमार हो गए और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसके अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो अपनी पश्चात किए गणेश जी का प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थ का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थ का व्रत करेगा वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो श्री जो जो भी ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताँ जो आप जी को मेरी ऐसी ऐसी और नई वीडियो देखने को मिलती रहे। सुहागन औरतें पंडितायन से आशीर्वाद लेती हुई अब चांद निकल आया है तो जो सुहागन औरतें हैं चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगे। सुहागन औरतें छत पे आ चुकी है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पश्चात ही ये बात व्रत संपूर्ण होता है। चलो दियो जी चंद्रमा जी को अर्घ देकर सुहागन औरतें अपना जो व्रत है वो खोलती है संपूर्ण करती है। अगर आप जी को जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।
निकाला पानी पी ले, पानी बर्तन पानी तो पी ले दो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सब जी का बहुत बहुत धन्यवाद।